पेपर लीक का तार तेजस्वी यादव के बंगले तक पहुंच चुका है। प्रीतम को नोटिस जारी कर दिया गया है। जो जानकारी आर्थिक अपराध इकाई से निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पीएस जो थे उनको नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। यह प्रीतम का नाम तब सामने आया जब बीजेपी के नेता बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह आरोप लगाया मीडिया के सामने कि तेजस्वी यादव के जो पीए हैं वो उनके कहने पर सरकारी गेस्ट हाउस जो है वो बुक किया गया था। उस सरकारी गेस्ट हाउस में ही परीक्षा देने आए जो लोग थे उनको रोका गया था, पेपर रटवाया गया था। जो साथी थे, जो मास्टरमाइंड थे, उनके तार जब पथ निर्माण विभाग के एनएचआई के जो गेस्ट हाउस है उससे जुड़ा, तो विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर आरोप लगाया। जांच हुई तो तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके पीए प्रीतम का नाम विजय सिन्हा के हाथ लगा। विजय सिन्हा का हाथ प्रीतम का वो फोन कॉल्स की डिटेल्स लगी जिसको लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे। और उसके बाद नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र का पूरा केंद्र बिंदु बिहार हो गया। बीजेपी जिस सवालों से जूझ रही थी वो एक दिन के लिए वो विपक्ष के मत्थे मर दी। लेकिन अब बीजेपी के लगाए आरोपों के बाद, बिहार के डिप्टी सीएम के लगाए आरोपों के बाद, आर्थिक अपराध इकाई ने सीधे तौर पर इस मामले में तेजस्वी यादव के पीए को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को ईओयू ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईओयू के हवाले से यह खबर है, जल्द ही प्रीतम कुमार से पूछताछ होगी। आरोपी सिकंदर यादवेंदु के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया गया है, उसमें भी जो है वो सिकंदर से पूछताछ होगी। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होगा जो जानकारी आ रहा है। ईओयू ने सिकंदर की संपत्ति का पूरा आकलन है वो शुरू कर दिया है। सिकंदर ने बिहार से लेकर झारखंड तक अकूत संपत्ति बनाई है। बिहार सरकार की नौकरी में आने से पहले झारखंड में ठेकेदारी किया करता था सिकंदर। सिकंदर ने पुराने सहयोगी यो के साथ मिलकर ये पूरा खेल जो है वो खेला है। इधर सिकंदर के जाल में पूरी तरीके से तेजस्वी यादव के पीएस जो है, जो पीए हैं उनके सरकारी पीएस जो है प्रीतम कुमार, वो उलझ चुके हैं। और प्रीतम के जाल में उलझने के बाद अब उनको नोटिस भी ईओयू दे रही है। यानी अब जांच, तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि प्रीतम से पूछताछ करवा लीजिए, और अब तेजस्वी यादव के ऊपर जब आरोप लग रहे थे कि तेजस्वी यादव के सह पर प्रीतम ने कमरा बुक कराया था, अब प्रीतम से सीधे पूछताछ, प्रीतम सवालों के घेरे में, प्रीतम जांच के घेरे में, और प्रीतम अब गिरफ्तारी के घेरे में, और प्रीतम के साथ ही तेजस्वी यादव भी मुश्किलों में दिखाई पड़ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।